हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी के विषय में कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जिससे आप वरिष्ठ अध्यापक बनते हो, 9th-10th के जो टीचर आप बनते हो उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या परीक्षा का पैटर्न रहता है, उसके बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बात करूं वरिष्ठ अध्यापक के पेपर की तो वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर है वो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो जीके का पेपर होता है आपका, और पेपर जो सेकंड है वो आपका सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड का पेपर होता है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ पेपर फर्स्ट की बात करूंगी कि पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कॉमन होता है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करो, कौन से बुक्स उसके रिगार्डिंग आप पढ़ो। पेपर जो फर्स्ट होता है वो आपके उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चन टोटल आपके जो है वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो पहला पेपर है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब आपका फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होगा। अब इस 200 नंबर में, इन 100 क्वेश्चन में किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बटे हुए रहेंगे, आपके जो फर्स्ट पेपर होगा उसके 4 पार्ट होंगे आपके, ध्यान से सुनना, कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट आपके होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा राजस्थान जीके, ठीक है, मैं साइड स्क्रीन पे आपको शो होता रहेगा राजस्थान जीके। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका करंट अफेयर राजस्थान की करंट अफेयर। तीसरा होगा शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और चौथा होगा आपका भारत व विश्व का सामान्य ज्ञान। तो 4 इसके पोर्शन आपके देखने को मिलेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पहला जो पोर्शन होगा वो होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान या राजस्थान जी के, दूसरा होगा आपके करंट अफेयर राजस्थान की, तीसरा होगा शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा जो होगा वो होगा भारत व विश्व का ज्ञान। इन सब में से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो पोर्शन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 50 क्वेश्चंस आपको राजस्थान के देखने को मिलेंगे, कि जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चन किसके देखने को मिलेंगे, राजस्थान के। पहला जो पार्ट है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और आपको पता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान है राजस्थान जी के, अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए कि यहाँ 40 आपके क्या होंगे, ये आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40। अगर इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करूं तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जैसा कि आप सबको पता है क्या पूछा जाएगा, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान राजनीति पॉलिटी, और आर्ट एंड कल्चर कला व संस्कृति, ये 4 पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे। चारों के आप 10-10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, 1-2 कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चारों के आप 10-10 क्वेश्चन आप मान के चलो तो पूरा टोटल आपके कितना हो जाता है, 40। ठीक है, तो आपके राजस्थान का ये वाला है। मैं बात करूँ बुक्स कौन सी पढ़ो, तो देखो अभी जो रिसेंट में नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है, जैसे नाथ पब्लिकेशन सेकेंड ग्रेड लिखा हुआ है सीधा उसकी गाइड, आप उसको परचेज कर लीजिए, आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा अगर आपको एक बुक कुछ लेनी है, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा सफिशियंट रहती है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप राजस्थान के इतिहास करके ओनली नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो आप यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन की बुक ले आइए, जहाँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, पॉइंट टू पॉइंट वो बात करते हैं और आसानी से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट और कल्चर हो, आप नाथ पब्लिकेशन की बुक में से इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने किस कोचिंग कर रखी है तो अगर आपने कलाम अकेडमी से कोचिंग की है तो सही है, अगर नहीं भी किए तो कलाम अकेडमी के इनके नोट्स मिलते हैं सेकंड ग्रेड को लेकर, आप उन्हें भी परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद ने भी पढ़ रखे हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि आपको सूटेबल रहेंगे, लैंग्वेज भी इजी है और मटेरियल बहुत अच्छा है, तो आपको इसमें काफ़ी होगी, हेल्प होगी। ठीक है, तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आप खरीद सकते हो। कई बच्चे पैनोरमा पढ़ते हैं,
कुछ स्प्रिंग बोर्ड पढ़ते हैं, पर मैं बोलूँगी कि पैनोरमा बहुत ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ राजस्थान की इस वाले पोर्शन के लिए आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक या 6 से लेकर 10 तक की पढ़ लेना। 6 से लेकर 10 तक जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, वहाँ से भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पॉइंट पढ़ सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि इस बार जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें से वो राजस्थान अध्ययन की बुक में से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है। दूसरी मैं बात करती हूँ, ये हो गया आपकी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके लिए मैंने आपको बताई कि आप नाथ पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए या कलाम कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए। और अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स अवेलेबल है तो आप उसको स्किप मत कर देना, क्योंकि वो आपके पढ़े हुए हैं, आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कोई भी नोट्स गलत नहीं होते हैं, कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर आपको कभी गलत नहीं पढ़ाएगा, एक जैसे ही रहते हैं। कुछ में थोड़ी दो बातें ज़्यादा मिलेंगी, कुछ में कम मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपने पहले से तैयारी कंटिन्यू कर रखी है तो आप जो पहले से पढ़ रहे थे आप उन्हीं को पढ़िए, नई चीज़ें मत लेना फिर आप, ठीक है। भटकाव मत नहीं कि मैडम ने तो कह दिया नाथ पब्लिकेशन अच्छी आती है तो मैं तो नाथ पब्लिकेशन लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लक्ष्य से पढ़ रहे हो, आप पैनोरमा से पढ़ रहे हो और आपने अच्छे से वहाँ से पढ़ लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसको आप कंटिन्यू रखिए, नहीं है तो फिर आप नए परचेज कर लीजिए, ठीक है। बात करें सेकंड पोर्शन की, जो कि है राजस्थान का समसामयिक, जहां से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, और 10 क्वेश्चन आते हैं मतलब 20 मार्क्स का वो पोर्शन आपका बनता है, और काफ़ी स्ट्रांग भी है ये, आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से इससे स्कोर कर सकते हैं। अब राजस्थान के समसामयिक की कुछ बच्चे मंथली पढ़ते, ठीक है, वीकली पढ़ते, कुछ मंथली, तो आप इसमें वीकली भी आप इसकी ख़रीद सकते हो। वीकली आती है 10-11 रुपए की, मंथली आती है, मंथली आप इसकी ख़रीद सकते हो कि आप साथ के साथ अपनी लेके चल रहे हो। सेकंड ग्रेड में जो राजस्थान का ओनली राजस्थान की ही करंट अफेयर आती है, तो जो भी आपकी मैगजीन है, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, या नाथ पब्लिकेशन की है, या फिर नानक क्लासेस की है, आप वो कर सकते हो। नानक क्लासेस का भी आई थिंक मटेरियल अच्छा है, आप जो नानक क्लासेस की जो बुक है वो भी आप ले सकते हो, अच्छी है। और अगर आप साथ के साथ तैयारी नहीं कर रहे हो तो एग्ज़ाम आने से एक पहले, जैसे 1-1.5 महीने पहले, आप एक एनुअल बुक लेके आ जाओ, ठीक है। मूमल की भी आती है, नाथ पब्लिकेशन की भी काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, नानक क्लासेस की भी आती है, तो एक आप ईयरली लेके आ जाओ, वार्षिकांक लेके आ जाओ, उस वार्षिकांक के अंदर आपको एक साल का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा और आपका आसानी से वो तैयार हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप उसको पढ़ लोगे तो फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। जो कि 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ से आप उसको सही कर ही दोगे, ये हमें देखने को मिलता है। तो मैंने 2 पोर्शन आपको बता दिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दूसरा मैंने बताया राजस्थान का समसामयिक। तीसरा आता है आपके शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें आपके क्वेश्चन जो हैं, जैसे पहले एक क्वेश्चन ऐसे आते थे कि ये परिभाषा किसने दी, ये नियम किसने दिया, तो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। बाकी आपको आजकल थोड़े से एनालिटिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। रट्टालॉजी से शिक्षा मनोविज्ञान नहीं कर पाओगे, आपको उसका पूरा सिद्धांत, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं बात करूँ, मैंने साइकोलॉजी के लिए 2 ही किताबें पढ़ी थी, जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली मैंने वंदना जादौन के नोट्स पढ़े थे, जो मैंने कहीं से परचेज किए थे, मैंने उनकी क्लासेस नहीं ली, मैंने वंदना जादौन मैम के नोट्स पढ़े थे, जो कि आई थिंक सबके पास होते ही हैं या उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो वो वंदना जादौन के नोट्स मैंने पढ़े, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, आप उसको समझ पाते हो। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने धीर सिंह ढाबाई सर हैं, उनके वीडियोज़ देखे, और उनकी बुक है अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है वो मैंने परचेस कर रखी थी। उस समय मैं रीट की तैयारी कर रही थी, तो रीट के लिए उन्होंने लिखी थी, तो वही बुक मेरे फर्स्ट ग्रेड में भी चल गई और वही बुक मेरे सेकंड ग्रेड में भी चल गई थी, क्योंकि उस दौरान सारी आई थी तो हमने भी उसको पढ़ाई था। फर्स्ट ग्रेड की मैंने अच्छे से तैयारी की थी तो मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा था। तो आप
शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या तो आप वंदना जाधव उनके नोट्स ले सकते हैं उनकी, या फिर आप धीर सिंह ढाबाई, या फिर तीसरा ऑप्शन, क्योंकि मैंने विवेक जो सर है कलाम अकेडमी के, उनके भी वीडियो रीड के दौरान देखे थे और मुझे कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, तो वो भी मैटर आप ले सकते हैं। तो तीन मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, वंदना जाधव मैम, धीर सिंह ढाबाई और तीसरा है कलाम अकेडमी के विवेक सर, ठीक है, वो बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इस मैटर को ले लीजिए। और लास्ट आता है विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कितना पढ़े, राजस्थान ही इतनी बड़ी है और ऊपर से इस सेकंड ग्रेड में तो हमारे विश्व और भारत भी आ गई, मतलब मैडम कमी नहीं हो रहा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये तो बढ़ेगा जल्द, इतनी जल्दी तुम्हें कोई 60-70 हज़ार की नौकरी नहीं मिलेगी, सेकंड ग्रेड टीचर बनोगे तो स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा आपको 25-26 हज़ार और 2 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 50-55 के समथिंग सैलरी मिलती है। तो ऐसे ही नहीं है, दूसरे विभागों में इतनी ज़्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, फर्स्ट ग्रेड का और भी अच्छा मिलता है, थर्ड ग्रेड का इससे कम, 10-10 हज़ार का बीच में गैप मान के चलो इतना आपको मिलता है। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 8:30 से 1 बजे तक की आप नौकरी करोगे, 1 बजे आने के बाद में आप घर पे आराम से रेस्ट करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो अगर आपको वो ज़िंदगी चाहिए तो पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अब वो चाहे छोटा हो सिलेबस चाहे बड़ा हो करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, नहीं तो अपने आपको एक प्राइवेट संस्था के लिए तैयार कर लो जहाँ पर पूरे दिन आप मेहनत करोगे। और फिर आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, ऐसे इधर उधर बात हो गई, अच्छे से नहीं पढ़ाया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे पास पैसा भी नहीं रहेगा और मेरे पास नौकरी भी नहीं रहेगी। तो अगर इन दुविधाओं से दूर रहना है तो आज दुविधा में फंस जाओ, आज पढ़ लो, आज अच्छे से मेहनत कर लो, बहाने मत मारो, बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी। वो चीज़ देखो कि आगे आप अगर ये मेहनत करोगे तो आपको मिलने क्या वाला है, माना आपका और बड़ा सपना है तो तैयारी कर सकते हो आप टीचर के साथ साथ, क्योंकि आपकी टीचर की बात करूं मैं, गर्मियों में टाइम रहेगा 7:30 से 1 बजे का, सर्दियों में टाइम रहेगा 10 से 4 बजे का, आप बाकी टाइम आपके पास खूब है, आप आराम से अपनी दूसरी तैयारी भी कर सकते हो, अपने घर परिवार को भी टाइम दे सकते हो, आप इतनी छुट्टियाँ बना सकते हो जो कहीं नहीं बना सकते, किसी भी विभाग में इतनी छुट्टियाँ आप नहीं बना सकते जो यहाँ बना सकते हो। आपको गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, बीच बीच में पता नहीं कौन कौन सी छुट्टियाँ आपको मिलती रहती है, तो ये सब ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, वो आपको करनी है। बात करें विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और वही इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल आता है आपके, विश्व का इतिहास वगैरह इतना नहीं आता। तो भारत और ये जो आपके तीन टॉपिक मैंने बताए, भारत का राजनीति, वे इकोनॉमी और तीसरा ज्योग्राफी, इतिहास यहाँ पे नहीं है, वो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लगते, तीन यही टॉपिक ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए आप अलग से कोई बुक मत खरीदो, जो आपके पास गाइड है, जैसे मैंने कहा था सेकंड ग्रेड के लिए अलग अलग गाइड आती है, जैसे पहले बहुत चलती थी लक्ष्य चलती थी, राय की चलती थी, सिखवाल चलती थी, ठीक है, अलग अलग गाइड चलती है, ऐसे ही आप कोई भी एक गाइड खरीद लीजिए, नाथ पब्लिकेशन वाला भी अपनी सेकंड ग्रेड की गाइड निकालता है, वो ले लीजिए और उसमें जितना मैटर है वो आप उस अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके यहाँ पर अच्छा स्कोर आप कर जाओगे, कोई भी दिक्कत आपके नहीं आएगी। और साइंस वाले बच्चों के लिए तो मैं बार बार कहती हूँ, जिनकी बीएससी बीएड है, जिनकी बीएससी बायोलॉजी में है, वो अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी को पूरा अच्छे से टाइम देते हैं तो यहाँ सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बाकी दोनों ग्रेड से ज़्यादा होगी, बस ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत कंपटीशन कम है, ये मैं आपको कह रही हूँ। हाँ, आर्ट्स वालों के लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, कट ऑफ भी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि उनके लिए सेकंड पेपर में सब कुछ है, वो ही फर्स्ट पेपर जैसा ही सेकंड पेपर है, हिस्ट्री वगैरह, इसलिए थोड़ा सा, बाकी साइंस और मैथ वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।